हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एल्विश का व्लॉग आ चुका है और इसमें उन्होंने बताया कि फाइनली बिग बॉस रीयूनियन हो गया। वाओ, कितने टाइम से ये पेंडिंग था। लाइक हमने हमेशा हर बिग बॉस सीजन के बाद देखा है कि जितने भी टीममेट्स, जितने भी हाउसमेट्स होते हैं वो इकट्ठे मिलते हैं आफ्टर द शो, तो इसके भी मिलने वाले। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन किससे मिला, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट कि यार मनीषा से मिले कि नहीं मिले। तो देखते हैं व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कीर्ति चरण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स प्ले। गाइस हमारे साथ कौन है, गेस करो। जिया सिस्टम है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अलग अलग रहा हूं ना आज। अरे एलवी का बैग, एलवी का बैग। आज दुबई कॉल भी लगाने का टाइम हो गया गाइस। हम जा रहे हैं दूसरी जगह, बताऊंगा नहीं अभी ब्लॉग में मैं। बैग मस्त लग रहा है। मैंने भाई जो कपड़े लेकर आया ना इसमें फिट करने पड़े मुझे, बाकी मुझे इस वाले में एक लेके चल रहे हैं। मतलब छोड़े बहुत, जो कई कपड़े मैंने छोड़ भी दिए यहाँ पे, मतलब जो जरूरत के नाते। तो अब जा रहे हैं नीचे अपने एयरपोर्ट, गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट और फिर जल्दी सवारी फिर कहीं। सही लग रहा है, आउटफिट चेक करा देना, नीचे कराऊंगा वैसे भी। भाई ये अगली बारी आएंगे ना हम तो एक मेरे दोहरे भी होगी। अरे वाह, डन है भाई, ये तो है ही, एक और होएगी। पर भाई ये 100 किलो का बैग हो रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना भाई अपने हिसाब से। 100 किलो का बैग है, 100 किलो का। इसमें मैंने लास्ट मार के रखी है। रहबम तेरा देवा काड सिस्टम मम देवा पैड डरा किसी के बाप तना बुद्धि पे मार तड़ फैड़ बम तेरा देवा काड सिस्टम मम देवा पैड डरा किसी के बाप तना। भाई हमारी है देखो, तुम्हें तो क्या ही हवाबाजी करनी के कर रहे हैं यार। अब सिस्टम है, मैं तो पहले तो ये चप्पल दुआ बढ़िया वाली इजी इधर मिल जाएंगी। ठीक है, यो है भाई एमिरेट्स की। हमारा इतना स्मूथ प्रोसेस था ना, इतना स्मूथ। एमिरेट्स की बिजनेस है हम पे ना, तो थोड़ी सी हवाबाजी तो चल बनती है। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, जगह का नाम नहीं बताएंगे, बट भाई खाली पड़ा एयरपोर्ट का, कितनी बढ़िया वाला। खाली का मतलब समझ रहे हो, खाली मतलब खाली, बिल्कुल खाली। भाई हम एक परफ्यूम ढूंढ रहे थे, परफ्यूम का नाम था शनेल ब्लू। कह रहे भाई पिछले 15 साल तक नंबर एक पे ही है। मेरे को लेंड दे आता कुछ शनेल ब्लू। क्या चाहिए तो चॉकलेट। अरे चॉकलेट थोड़ी ले कर यार, तू तो बाड़ा कह क्या ब्रांड है भाई। ले लिया साड़ा। वाह, यहाँ दिरम में पैसा देना पड़ा साड़ा, पता ना लगे कितना रुपया चलेगा। पता कितने का परफ्यूम है वो इंडियन रुपीज में? 30,000 रुपये का। अब दुख हो रहा कि हवाबाजी के चक्कर में 30,000 रुपये सेकंड हैंड स्कूटी आ जाती जितने का परफ्यूम लिया है। ऐसी की तैसी, शेम ऑन अस। हम ज़्यादा खर्चने लग गए हवाबाजी के चक्कर में ना, कि ये भी ले ले वो भी ले ले, बेस्ट बेस्ट के चक्कर में। किस दिन हमारी जमीन जमीन ना बिक जा कटारिया के, तो कई प्लाट बिक लिया हवाबाजी के चक्कर में। क्यों कटारिया? हाँ है ना। हाँ। देखा कही थी ना। अबे ये कुछ गलत कह रहा है, कुछ गलत कह रहा है, कुछ ना गलत कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भाई पहुंच लिया अपने एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट तो थे ही हम, सॉरी अपना गेट है C7। साला इतनी दूर है ना, माँ की कसम इतना दूर। वॉक हो गए, मुझे लगा मेरा खूब है एक मसाज वाला, अपने दारू दूर लेने वही यहाँ से ले लेना। अपना सारा सिस्टम है इधर ड्यूटी फ्री का। एयरपोर्ट बहुत कैड़ा नो डाउट, पर खाली है जैसे अपना बराबर रहा है ना, ये खाली है पर बढ़िया। भाई एक तो एक दारू है इधर, जिसने चाहिए मेरे तो मैसेज करके बता दे करो, हम ले आया करेंगे भाई। भाई यू है जिसकी बहुत तारीफ चल रही है, मैं कहा ये तो ले लिया, चल कोई बात ना। बैग अच्छा लग रहा है मुझे तो, ये अपनी बिजनेस का है। ओ मस्त, अपनी फ्लाइट ये कैसा मौसम हो गया बॉम्बे में यार, तगड़ा बारिश। हमारे गाने आने के बाद हुआ है ये सब। कैसा चल रहा? एक नंबर चल रहा। कटारिया भाई ने शॉपिंग करी है ना दुबई से। कटारिया ने पैसा, जमीन बेच के पैसा फूंक दिया सारे।
तगड़ी यहाँ पे भाई बढ़िया। पिछली बार आए थे हम, पिछली बार तो ऐसा मौसम नहीं था, इस बार बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हुई है क्या इधर? नाइस। लैंड करके गए इस बॉम्बे में भाई, अपना वो बाल सेट करने वाला भाई है इधर? मुझे लगा कभी अंशुल भाई इधर दुबई चला जाओ। नहीं नहीं, उससे बाल सेट करा के अभी आया हूं मैं। तो ठीक है, तो बाल बुल सेट कराने उस पे ना, फिर जाना बिग बॉस की पार्टी में। बिग बॉस की पार्टी में कौन कौन आ रहा है? कटारिया भाई, मोना पता, हम जा रहे हैं, हमने तो अपना वीरा। तू चल रहा है ना उसमें साथ में? ठीक है, पाँच मिनट दिया हूँ बाल का, बिग बॉस वाले बाल का, पाँच मिनट मेरे जरूरी है। मुझे पता नहीं गाइस कौन कौन आ रहा, पर जो जो आ रहा भाई सबसे मिलेंगे। और जिया से बात हुई थी मेरी, जिया कहती कि मैं क्या करूंगी यार, मैंने कहा आ जाए यार, तो कहती चलो मैं देखती हूँ। जिया मना कर रही? जिया कह रही थी कि मैं क्या करूंगी उधर। मैंने कहा क्या करेगी आप, बिग बॉस में तू ना थी तो पार्टी करेंगे सारे गैल खड़े हो गए। कहाँ पे है पार्टी अपनी? यहीं पे पास में। पास में है, चलो मजा आएगा भाई। बीबी से तो बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी हम कराएंगे पार्टी तगड़ी वाली। मैं कहा ओके, आई एम वेटिंग एक्साइटेड। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं भाई क्या माहौल बैठता अपना पार्टी पुर्टी का। गाइस अब वो वाला ब्रिज आने वाला जो हर बार बॉम्बे में, मतलब मैंने देखा था तगड़े वाला ब्रिज जो होता ना, अभी आने वाला वो इधर से ही। चला दो भाई गाना, चला दो अपना ये वाला। अरे कहाँ गया? चला दो वापस से स्टार्ट करना भाई, मौसम हो तो ऐसा हो बॉम्बे जैसा। आज दुबई में बड़ी गर्मी थी भाई तुम्हारी। कहा आँखों में नींद भरी है, पूरा सो के आया हूँ। एयर होस्टेस ने जगाया मेरे को, कैरी सर वी आर लैंडिंग इन 10 मिनट्स। मैं कहा अच्छा जा फिर। हर बार एयर होस्टेस उठा हुआ है मुझे आके, पता तुम्हें। अब जल्दी से खींच मारो गाड़ी, गाना चला के बढ़िया सा। ठीक है, गाना बजने वाला भाई अपना जो अपना ट्रेंडिंग एक पे चल रहा। हेलो जी, सिद्धि विनायक मंदिर जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था, सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच चुके हैं गाइस अपने बढ़िया प्रोटोकॉल की गैला। हाँ भाई कटारिया रिलीजियस हो गया तू तो मेरे साथ रह के रिलीजियस हो गया। इसकी एंट्री कहाँ से है भाई? उधर से एंट्री है, आओ। नमस्ते अस्तु लंबोदराय श्रीगदन्ताय श्रीगदन्तमूर्तये नमः। स्माइल कर रहे हैं यार, कैसा लगा भाई? भाई बहुत बढ़िया यार, एक नंबर, पहली बार आया मैं, बहुत बढ़िया। सामने आके पूछा, अब पूछ क्या कह रहा था? क्या करवाने लग रहा भाई? दिख नहीं रहा तुझे? नहीं दिख नहीं रहा भाई, इसने कही है कि मेरे से आके क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे। मैंने कहा भाई क्वेश्चन पूछूंगा तो यही पूछूंगा, और क्यों पूछूं कि भाई तेरा ब्याह कद है? देख नंगा पड़ा है, सबे शर्म पेट दिखन लग रहा है। ब्याह की पूछ ले बेशक भाई, वो देख लो मेरा आउटफिट बिग बॉस पार्टी का। बिग बॉस तो सुन ले। हाँ भाई फरवरी में। ठीक है चलो भाई, है ना, बता दो दे पब्लिक एक बार कहाँ जा रहा है बिग बॉस की पार्टी के लिए। अच्छा तुमने मतलब गाइस हम पार्टी मतलब ये पार्टी में जा रहा था, इसका मतलब ये है कि मैं ईगो नहीं आया अभी। जो नहीं आ रहे मतलब उनमें ईगो है, ये क्या कह रहा तू? शायद नहीं भाई सबके अलग अलग रीजन होते हैं ब्रो। मेरे जैसे रीजन है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं भी नहीं जा रहा अब। ले भाई पार्टी के नियर रेडी, पार्टी के नियर रेडी, लुई डाउन एंड डियोर गाइस। वूहू अलग अलग रहा हूं आज तो भाई, पर मेरा बैग देना वो एलवी वाला। भाई बैग कहां है भाई? डिग्गी में, आई वांट द परफ्यूम राइट नाउ। इसमें परफ्यूम लेके डिग्गी में डाल दे, ये तो अपनी सवारी है।
जिसमें जा रहे हैं पार्टी में। भाई रेडी फिर बालको। हेलो, पार्टी में कौन कौन आ रहा? Yes. बहुत सारे लोग हैं। मेरी अभी मनीषा से बात हुई थी, मनीषा इज नॉट कमिंग गाइस। आपकी आवाज कट रही है, मैसेज करो ना मैसेज। और भाई जिया से कल मेरी बात हुई थी, जिया कह रही थी तो जिया को एक बार फोन कर लेते हैं। कॉल जिया शंकर कॉल जिया शंकर ऑन स्पीकर होता है ना मेरा शंकर। जल्दी भाई जिया पूछू कहाँ रहेगी जिया। जिया एसी बंद कर देना एक बार, पीछे का एसी बंद कर दिया कटारिया भाई। बंद ये भाई कर देंगे। हेलो कितने हो? मैं तो पार्टी में बस कितनी देर में पहुंचेंगे हम? 10 मिनट। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट में पार्टी में। अबे कोई नहीं आ रहा क्या? अभिषेक भी नहीं आ रहा, मनीषा भी नहीं आ रही, तू भी नहीं आ रही, कौन बेबी का से मिलने जाऊं मैं? वो तो पूजा जी से मुझे प्यार ज्यादा, इसलिए साथ में रहती, इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ यार आ जा यार। ठीक है भाई, सब बड़े स्टार हैं क्या भाई? बड़े हो गए सब, बहुत बड़े स्टार हो गए तुम भाई, हम छोटे रह गए भाई। ठीक है, हमारे साथ कौन करेगा पार्टी? ठीक है, तू तो बोली मत यार, तुम क्या क्या करके आ रहे हो ना? तू पान खा रही है क्या? नहीं नहीं, तो गुटखा खा रही है? थूक दे, चूना थूक दे अपना चूना भाई। चलो ना, चलते क्यों नहीं तुम भाई? भाई हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है गाना यार। मैं कह रहा हूँ गाना कैसा लगा मेरा वाला? मस्त, स्टोरी डाली तो अच्छी भी तो है ना। मनीषा ने डाली, तू ये कहना चाह रही है? मनीषा ने डाली थी, जस्ट किडिंग। कोई ना, चल मैं पार्टी पार्टी के बाद आई विल कॉल यू। ठीक है, डन डन डन, सी यू। जल्दी फ्री हो जा पार्टी। यो बिना आ रही, अरे आना साथ में। ओ अविनाश हैंडसम लग रहा है, अविनाश भाई रुकिए भाई, गाना बहुत पसंद किया जा रहा है भाई। पार्टी तो निकट ली है, बिग बॉस वाली पार्टी थे, सारे जने तो मिली ना पाए यार। मैं, पीबी, बेबी का, फलक और अविनाश, हम ही तो थे, और कौन था भाई? हाँ। यो कैसी बिग बॉस की पार्टी भाई? बिग बॉस में तो और भी लोग थे, तो शायद मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। वो तो पलक और आकांक्षा और आशिका ये भी आए थे, पर वो जल्दी निकल गया, मिल नहीं पाया मैं लोगों से। चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी में ये वाली हमारी पूरी। पीबी ने बहुत मस्त मस्त चीजें बोली भाई, मजा आ गया मेरे को ना, मिल गए। वही पसंद है ना मुझे उन सब में, मतलब फेवरेट वैसे। और ना अभिषेक आया, ना मनीषा आया, ना मनीषा आई, मकल लाया भाई, सिस्टम है। कोई बात ना, चलो कई कदम और मिल लेंगे भाई। इनते बॉम्बे आया था मैं इसी काम के लिए और प्रमोशंस के लिए, गाने के, जो कि हम कल करेंगे। अब जो तुम ब्लॉग देख रहे हो ना, 12 बजे अब शाम को मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे? स्टेडियम जेवीबीडी जुहू, जेवीबीडी ग्राउंड जुहू, उमंग 2023। शाम को 5 बजे पहुंच जाऊंगा भाई वहाँ पे, सारे जने मिलना, मुंबई की जनता मेरी, जितने भाई बंधु देख रहे हैं सारे जने आ जाना। 12 बजे देख रहा हूँ तुम इसको, आ जाना 5 बजे शाम के। खैच का मीटर सिस्टम हैंग कर देंगे, भीड़ बढ़ा कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे मुंबई में भी, समझ गया तुम। अभी तो दूसरी जगह जा रहे हैं हम भाई, कुछ खुआ दो यार, मैं तो भूख लग गई फिर। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम पीबी, माय बर्थडे गिफ्ट, थैंक यू सो मच। क्या दिया है? चिराग? नहीं नहीं, शिव जी। अच्छा, शिवलिंग है। ओके, शिवलिंग है भाई, शिवलिंग है। अरे वाह यार, बड़ा सुंदर है भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। गिफ्ट तो दिया हमने, तूने दिया साढ़े मेरे गिफ्ट कुछ? बेटे यार, अब भी तो गिफ्ट चाहिए इस बेशरम भाई, कुछ तो दे देता साढ़े मटेरियल रखा है तुम्हारा, मटेरियलिस्टिक गिफ्ट रखा कुड़गा झूठ बोल रही है। ठीक है अपनी मम्मी कसम खा के बोल जा रखा। अबे देख लियो ना, खा जा मम्मी, देख लियो मम्मी कसम, अबे देख लियो ना भाई। भाई देख लो, पीबी ने अभी दे दिया, इसने दिया, अब देख लियो भाई गुड़गा। ठीक है भाई, तुम तो पागल हो लिए। चलो भैया, कैसे रात के घर आगा भाई? कहीं है कोई गिफ्ट का? मम्मी कसम भाई, मैं नहीं बता रहा यार। ओके 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 भाई, अपनी बिग बॉस की पार्टी खत्म हो गई, हम दूसरी दो जगह और गए, वहाँ
वहाँ भी आधा भीड़ बड़ा कादा। मैं कहा चलो कोई ना अपने घर पे बैठ लेते सोएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह और भी बतेरे काम है। तो अब वापस आ गए अपने, थोड़ा बहुत बैठेंगे चिल करेंगे और ये देखूंगा इसको मैं कहाँ पे रखूँ, मंदिर में रखूंगा ना इसको। हाँ। मंदिर में रखेंगे शिवलिंग, और सारे जने पहुंच लिए भाई अपने। चलो ठीक है फिर, रोक के भाई। गाइस गाइस हमारे साथ कौन है, गेस करो। सिस्टम है, पार्टी में तो आई नहीं, पार्टी में आई नहीं। तू यहाँ पे क्यों क्यों कर रहा? बिजी थी यार मैं भाई, ये स्टैंडर्ड हो गया इनका, बहुत ऊंचा से आई है, शूट से आई, इनकी मूवी शूट चल रही है। हाँ यार, थक थक भी तो गई थी, बढ़िया लग रही थी, आ जाती पार्टी में यार। हम देखो ऐसे चले तो शूट से आई हुआ है मैं। और लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया। मैंने सुना आपका ब्लॉगिंग चैनल भी है। यस शिट, इससे याद है मुझे भी ब्लॉग करना चाहिए। अबे यार दिलाना, मैंने तुम ही पैसे कमाओगे क्या भाई? चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई जी आगे। यस ठीक है, इनके भी ब्लॉग्स देखो, इनके भी अब इनका ब्लॉग चालू होने वाला है अभी, ओवर टू हर ब्लॉग भाई। फाइनली बॉम्बे की सड़कों पे भाई मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। आप किधर जाना ब्रो? लेफ्ट। कुछ खाना है? अभी नहीं यार। अरे बेस्ट खाना ही जाऊँगा। क्या कहाँ खाया बेस्ट खाना? जी हाँ, तो मुझे बहुत ही सेल्फिश। हाँ यार होटल ही छोड़ दो भाई हमको यार, हम तो थक गए घने पार्टी कर करके छिक लिए हम तो भैया। इतनी पार्टी अपने घर घर ही होते तो बड़े आदमी बन जाते, मुंबई में करने लग रहे हैं भाई। पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ मैं बॉम्बे के अंदर, मस्त सड़कें रात को ही कर रहा हूँ क्योंकि दिन में बड़ा ट्रैफिक होता है यार, जो किसी की गाड़ी में नहीं यार। तो फिर यूटर्न लूँ? चलो भाई होटल जा रहे हैं अपने, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आने आ चुका है लेडी एमएफ का ऑफिशियल YouTube चैनल पे, जाओ और चेक करो अभी देखो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है भाई। वो लग रहा अपना आउटफिट तगड़ा लग रहा है, होटल लाल टला लिया अपने, चलो बैक एक सेकंड जी ब्रो। स्टार्ट हो गया? यस। अरे भाई सारे भाई ऐसे देखने लग गए यार। बैग दे दो, बैग बैग ले लो भाई, बैग देख लो। बैग तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, और का नहीं है तो डाले। हां मगर चार जनों के आगे खड़े होकर हवाबाजी करने लग रहे रात को भाई। चले भाई, सर ये हवाबाजी कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे हैं भाई, पर हाँ जी गाइस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और जाते जाते भाई डाउनलोड कर लो माई इलेवन सर्कल ऐप, लास्ट मौका है क्योंकि एशिया कप का लास्ट मैच है, इसमें आप जीत सकते हो ₹1 में आईफोन 15 गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके, मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप जीत सकते हो एक SUV कार ब्रांड न्यू। और मेरा कूपन कोड यूज करोगे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अपने माई इलेवन सर्कल अकाउंट में। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो तुम यार? डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पिंड कमेंट में भी लिंक है, उसी लिंक से करना, देख लो डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप और एंजॉय करो। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रेस्पॉन्सिबली। यस मजा आया इस व्लॉग में यार, लेकिन मनीषा तो आई नहीं, लाइक मेरे को अभिषेक का तो इतना था नहीं, लेकिन मुझे था कि यार मनीषा आएगी तो मजा आएगा देखने में, बट मनीषा भी नहीं आई, हो सकता बिजी हो पता नहीं, पर आई थिंक वो रहती तो मुंबई में ही है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं आई। जिया आई, जिया का मेरे को तो इतनी कोई खास पसंद नहीं, जब से वो बिग बॉस में पानी वाला कांड कर रहा है ना उसने, तब से आई डोंट लाइक हर। उससे पहले मुझे बहुत पसंद थी, इतनी ब्यूटीफुल लगती थी, प्रिटी लगती थी, उसके बाद से ना अंदर से ही वो उसका वो पता लग गया ना कि क्या वो सोचती है, कितने ग्रजेज है उसके अंदर एल्विश को लेके। एल्विश हमारा थोड़ा सा ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, दिल का साफ है, तो वो चीज़ें भूल जाता है, बट हर कोई एक जैसा नहीं होता, आई एम नॉट लाइक दैट। तो मैं तो उसका चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करने वाली, ना मुझे देखना है उसे, बट देखने में मज़ा आया। पूजा भट्ट इज़ माई फेवरेट, वो मुझे बहुत ऑनेस्ट बहुत ब्लंट लगती हैं, मतलब उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, जबकि वो इतनी बड़ी महेश भट्ट की डॉटर है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। उसके बाद भी मुझे वो बहुत डाउन टू अर्थ लगती थी, समझती थी चीज़ों को, लोगों को समझती थी, समझाती थी कोई झगड़ा करता था तो, कुछ भी चीज़ें थी मतलब, तो वो मुझे सेंसिबल लगती है। बाकी अच्छा था व्लॉग, मज़ा आया देखने में। और अभी 5:01 है, तो मतलब अभी उनका वहाँ पे वो है प्रमोशन के लिए, एल्विश ने स्टोरी भी डाली है, तो हम तो भैया नोएडा में हम तो जा नहीं सकते, तो जो भी मुंबई के हैं वो ज़रूर जाना, मिलना उनसे और वहाँ पे सिस्टम हैंग कर देना। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और बस मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।